आपका फेवरेट ये एक नया सेगमेंट हमने शुरू किया जिसमें आपके शॉर्ट्स मुझे भेजती है मेरी टीम और आपके सामने मैं पहली बार उनको देखता हूं और रिएक्ट भी करता हूं, थोड़ी सी कमेंट्री भी करता हूं। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर अडू द फाइव वीडियोस फॉर पांच का पांच। बहुत बड़ा है मंच, उस पे कोई तो बनेगा सरपंच। इट्स टाइम फॉर पांच का पांच। चलिए मैं जरा पहला वीडियो फटाफट से देख लेता हूँ। और इसमें बेस्ट बात पता है मुझे क्या लगती है कि ना, मैंने वीडियो पहले नहीं देखे, मैं पहली बार देख रहा हूँ तो मजा आता है, थोड़ा सा नेचुरल रिएक्शन आता है। और प्लीज ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आपको कैसा लग रहा है इस सेगमेंट, क्योंकि रेगुलर करना चाहते हैं हम, ये आपका चैनल है और इस पे आप फीचर होते हैं। पांच का पंच इज ऑल अबाउट यू। सो लेट्स स्टार्ट। जरा पहला वीडियो खोला जाए, लेट मी जस्ट हैव अ लुक। एक्चुअली ये जो सेटिंग है ये मुझे लग रहा है बैट की ये फैक्ट्री है, यहाँ पे बैट मैन्युफैक्चर होता है। अंकल ने बैट पकड़ रखा है, थोड़ा बोलिंग हो रही है और बोलिंग में थोड़ा सा ड्रिल कमाल से हो रहे हैं। ये सामने का ड्राइव, ये अच्छा पंच मारा है और टाइम इसमें कम मिल रहा है, थोड़ा सा हाथों को तेजी से चलाना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी रिएक्ट करना पड़ेगा। बैट्समैन तैयार है, बॉलर नहीं आया, अब सारी बोले खत्म। और तेरी तो ये जोर से मारा और बॉलर भी मतलब बची गया बाल बाल। क्या बात है, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग था एक्चुअली जिस तरीके से वो शॉट लगाए। और ये अच्छी प्रैक्टिस है बाय द वे, अगर आपको अपने ना तो क्विक हैंड्स करने हैं, फटाफट से आपको रिएक्ट करना है, तो दिस इज वन ऑफ द ड्रिल्स दैट यू कैन डू। घर पे भी आप कर सकते हैं, किसी को दीजिए 10-15-20 बॉलें और टक 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 एक के बाद एक के बाद एक के बाद। हम बाउंसर्स का ऐसे करते थे, ऐसे छोड़िए ऐसे छोड़िए ऐसे छोड़िए ऐसे छोड़िए, तो आप वो तैयारी कर सकते हैं ताकि रिएक्शंस जो है आपके वो थोड़े से बेहतर हो जाए। तो वेल डन कुणाल, आई लाइक वट यू सेंट देयर, अच्छा लगा मुझे। आप भी बताइएगा कैसा लगा। बैट की फैक्ट्री है, इनसे बैट मंगाता हूँ जरा मैं। चलिए अब जरा दूसरा वीडियो देख लेते हैं। ये जनाब ये लेफ्टी खड़े हैं, ये पीछे गए, ये थोड़ा पास गए। अरे स्वैग है लड़के का, स्वैग है भाई। ये वाली जो सेटिंग है ना, मैंने सेटिंग पहले भी बहुत बार देखी है, मैं इंस्टाग्राम वगैरह पर देखता रहता हूँ। एक बार हाँ ये दोबारा इसको देख लेते हैं। ये ईंटों से ये बनाई पिच, ये कुछ इस तरीके से घुमा के मारे, इनका स्वैग बहुत तगड़ा है। आप भी जरा इनको रेट कीजिएगा, ये कैसा इन्होंने शॉट मारा है। वैसे गेंद आसान थी, लेट्स बी ऑनेस्ट, फुल टॉस पे इस तरीके से मारना, बट फुल टॉस पे सीधे ही मार दे यार, ऐसे घुमा घुमा के बल्ले को मारना, मुझे लग रहा है थोड़ा सा ना बच्चे हैं। ये धोनी के सारे फैंस हैं, पर हेलीकॉप्टर पे ना कॉपीराइट धोनी का है और किसी का नहीं। ओके लेट्स सी द नेक्स्ट वन नाउ। ये संतोष जी हैं, संतोष जी गेंदबाजी के लिए चल पड़े हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मुझे लग रहे हैं। नहीं ये तो राइट आर्म है यार। अरे बॉल, अरे ओए बॉल, ओ अरे यार बंदे बनो, वो बंद बैट्समैन पहुंच भी गया और उसके बाद ये तो डेविड वार्नर वाला काम कर दिया भाई। ये मोहम्मद हफीज के साथ भी हुआ था, देखो ये छक्का दे दिया अंपायर ने। ये अंपायर मतलब ये यार ये बात ठीक नहीं है, ये बात गलत है कि मतलब हाथ से बॉल अगर छूट गई है तो छोड़ दे यार, पर जब डेविड वार्नर ने मतलब वर्ल्ड कप में नहीं छोड़ी हफीज की बॉल, तो यहाँ पे संतोष की बॉल कहाँ छोड़ने वाले थे। ये हाथ से बॉल छूटी थी, जब हाथ से भाग रहे थे ना तो मुझे ऐसा लगा था जैसे लेफ्ट आर्म बॉलर होंगे, लेफ्ट में पकड़ के चल रहे थे, बिल्कुल ऐसे एक्शन नटराजन की तरह, और फिर हाथ से राइट हैंड से बॉल ऐसे करके छूट जाती है। मैं तो कह रहा हूँ ऐसी बॉल को डेड बॉल दो यार, ऑनेस्टली ये टेनिस बॉल क्रिकेट में थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गया हमारे भाई साहब। मेरे को ये शॉट ठीक है, इनका जो एटीट्यूड है ना पसंद नहीं आया ये मुझे, आई पर्सनली आई डोंट लाइक इट ऑनेस्टली स्पीकिंग। चलिए आंखों पे पट्टी बांध दिया भाई, इनसे देखिए इनकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई है और ये बल्लेबाज तैयार हो रहा है। अब देखते हैं ये क्या ऐसा झंडे गाड़ने वाले हैं, आंखें बंद करके बैटिंग। अबे यार वाओ, ये कैसे किया तूने भाई, आई मीन हेलो ऑनेस्टली दोबारा देखते हैं, ऑनेस्टली दिस इज इनक्रेडिबल। और पट्टी अच्छे से बांधी है यार, दिखता तो नहीं है कोई, वो मलमल का कपड़ा तो नहीं है इसमें दिख रहा है उनको, आई डोंट नो। ऐसे करके हाथ भी कर दिए, बल्लेबाज तैयार भी हो जाता है यार, टाइमिंग और उसको एक हाथ से ऐसे करके, और फिर नो लुक शॉट भाई। वैसे भी आंखें पट्टी बांधी है, नो लुक की तो बात ही नहीं है, तो कहीं पे भी देख ले, और बॉल को तो देख नहीं सकता ना, पर अद्भुत ये शॉट था, ये अलग लेवल की स्किल थी। अब मेरा एक वीडियो बच गया, लेट ये गए। अरे लेफ्टी क्या बात है, लेफ्ट दिखाया राइट पे मारा, लेफ्ट का इंडिकेट देखिए, राइट पे गाड़ी मोड़ दिए जनाब। दोबारा देख लेते हैं स्टांस, एक्चुअली मुझे अच्छा लगा इनका स्टांस, बड़ा अच्छा बैलेंस है। फिर ये बाहर जाते हैं यार, मैं एक बात बताऊँ, इन सब बॉलों में ना मुझे लगता है इनको पता होता फुल टॉस आने वाली है, वो जैसे वो बाहर वो जो उसने वो हेलीकॉप्टर मारा, जैसे ये बैठ गए पहली और फिर इस तरफ, क्योंकि वहाँ फील्डर तो हो नहीं सकते, लेफ्ट हैंडेड बटलन है साहब, या फिर ऋषभ पंत भी तो ऐसी करते हैं बैटिंग। दोबारा देख लेते हैं एक बार, ये गए इधर। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात रहती है कि थोड़ा सा लो बेस रखिए आप, थोड़ा जमीन के थोड़ा पास रहिए, जितना लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ना, इस तरीके के शॉट मारने थोड़े से आसान हो जाते हैं। पर लेदर बॉल से खेल रहे हो,
हेलमेट पहन के, गार्ड पहन के, ग्लव्स, हेलमेट, ये चेस्ट पैड सब कुछ पहन पहन के खेलना, क्योंकि ये जो हरकतें कर रहे हो ना, ये टेनिस बॉल से तो ठीक है पर इसके अलावा मत करना। जरा रेट करो भाई, नंबर वन कौन सा है? सबसे पहले तो वो एथिक वाला जो था ना, मैं उसको बाहर कर रहा हूँ, जिसने वो वार्नर वाला काम किया वो उसको तो मैं मान ही नहीं रहा। ये शॉट भी अच्छा है, शॉट एक्चुअली ठीक ठाक शॉट लगाए गए हैं, मतलब आई एम स्प्लिट यार, किसको मैं कहूंगा नंबर वन नंबर टू। एक वो आंखें बंद करके जो खेला भाई, वो उसको तो राइट अप देयर रखना पड़ेगा, क्योंकि वो मुश्किल होता है शॉट लगाना, मतलब वाकई में उनको नहीं दिख रहा था तो। वो हेलीकॉप्टर ऐसे चलाया वो भी ठीक था, और एक और देखा था वो अंकल जो प्रैक्टिस कर रहे थे वो बैट की फैक्ट्री में, वो भी अच्छा था। पर आप लोग डिसाइड करो कि कौन सा सबसे अच्छा लगा, और अपने वीडियोस फटाफट से भेज देना cricketakashwani@gmail.com पे, क्योंकि ये आपका चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी, और फिर पांच का पंच पे आज ये थे पांच सरपंच। आपको सबसे बेहतर कौन सा लगा ये जरा कमेंट सेक्शन में बताओ ना मेरे यार।